सर, रक्षाबंधन का त्यौहार है आज जी, बड़ा ही जोर शोर से पूरे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है जी। कैसे, किस प्रकार से आपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, और जैसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप जी, मैं अभी जाके आया हूँ जी जी जी। एक्चुअल में क्या होता है, बहनें सभी होती हैं, चाहे आपकी हो हमारी हो, लेकिन उन बहनों तक कोई नहीं पहुँचता जिन तक पहुँचना चाहिए। कमाटीपुरा में गया, उन लोगों ने छोटी मोटी शर्तें रखी कि फ़ोटो और वीडियो नहीं होगा तो हम राखी बंधवा सकते हैं। मैंने उनसे राखी बंधवाई, फिर जो मेरी श्रद्धा थी, चाहे वो साड़ी हो या जो भी, उस पर अपन रख, मैंने उनको दिया और फिर मैं ही आया। मकसद ये था कि जो लोग हमारी मुख्य धारा से अलग हैं उनको वापस उसी धारा में लाना। सोशल मैसेज देना अलग इशू है, सोशल इमेज देना अलग इशू है, सोशल बातें करना एक अलग इशू है। लोग बातें ज़्यादा करते हैं, करते नहीं हैं। मैं उनसे ये वादा करके आया हूँ कि जब भी वो मुझे बुलाएंगे, उनका भाई होने के नाते मैं वहाँ पहुँचूँगा। मैंने अभी एक फिल्म भी बनाई है और मेरी जितनी भी फिल्में हैं वो सोशल इशू पर ही रहेंगी जी। जिस तरह से माँ पर लोग जाने से भी कतराते हैं, माँ के नाम से अपना नाम जोड़ने से कतराते, लेकिन आपने वहाँ पे राखी बांधने गए, तो आपकी मन में ये कि लोग क्या कहेंगे? मैडम, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। लोगों की चिंता वो करते हैं जिनके दिल में पाप होता है। लोगों की चिंता कौन करता है? मेरे दिल में ये था कि चाहे मैं कहीं जाऊँ, लेकिन वहाँ मेरी बहनें बैठी हैं तो मुझे वहाँ कोई गलत चीज़ दिखी ही नहीं। गलत कौन है? वो इंसान जो वहाँ जाता गलत नज़रिए के साथ। अगर आप सही नज़रिए से जाओगे तो वो धारा अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उस बस्ती का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में से एक बात आती है, गलत। गलत नहीं है, मेरी सोच पॉजिटिव थी और मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ वहाँ गया। तो कैसा उनका रिएक्शन कैसा रहा? बड़ा खराब था। व्यवहार कैसा? बड़ा खराब था जी जी। कैसे मतलब कैसे? उन्होंने ये सोचा नहीं था, उन्होंने मुझे वही समझा जो वो हमेशा सबको समझती आई हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं उस मकसद से नहीं आया हूँ, मुझे कुछ बहनें चाहिए। तो मैं जितने लोग मुझसे मिले, कुछ लोग मुझसे नहीं मिले, पर जितने लोग मुझसे मिले उनको मैंने आधा घंटा कन्विंस किया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे राखी बांधी, राखी में लेके गया था साथ में। तो रियल में मतलब आपकी बहनें नहीं है इसलिए आप? नहीं, मेरी बहन है। हाँ बिल्कुल बहन है। इसके बावजूद भी आप? हाँ हाँ बहन है। सोशल कॉज कदम उठाया, मतलब लोग बहन का नाप और नकाब लेके जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, दत्तक भाई बन के जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, उनको धोखा दे के रेप कर रहे हैं, 16 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, हमने लड़की को सिर्फ बहन छोड़ के बाकी सब माना है। वो सिर्फ अपनी खुद की बहन को बहन मानता, बाकी दूसरे की बहन को उसने आज तक बहन नहीं माना। सोच यहीं खराब हुई है। मतलब सोच बदलने की जरूरत है, मतलब बदलनी ही चाहिए हर भाई अगर इस तरीके के 100% ये सब बदलाव बिल्कुल 100% आना ही चाहिए, वरना क्या होगा? आपको बीवी चाहिए, ठीक है, बहन चाहिए, सब चाहिए, सिर्फ बेटी नहीं चाहिए। वो नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये आप पहली बार गए या फिर हमेशा उनके बीच जाते हैं? नहीं, पहली बार गया हूँ मैं जयपुर से। जयपुर में मैं जरूर गया था और वहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है, वहाँ से प्रेरणा लेके फिर मैं ही आ गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी हमारे समाज में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज रक्षाबंधन के दिन पे, और आपने जो इतना साहसिक कदम उठाया है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? रक्षाबंधन कोई दिन नहीं होता, रक्षाबंधन का मतलब होता है जिस दिन आप रक्षा करेंगे, संकल्प लेंगे रक्षा लेने का, वही दिन रक्षाबंधन है। जिस दिन आप वो संकल्प तोड़ देंगे, ये फिर बेकार की चीज़ें मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये रक्षाबंधन दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। एक दिन मनाया जाता है इसलिए कि इस दिन शुरुआत की है। आज से हम शुरू करें कि हर एक लड़की मेरी बहन है। क्यों? क्योंकि वो भी भाई ढूंढती है, लेकिन भाई उसे नहीं मिलते। उसे कौन मिलते हैं? जलील इंसान। क्षमा चाहता हूँ इस वर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छे इंसान उनको नहीं मिलते। सर, जगह भाई क्यों चुनी आपने? और भी कुछ जगह हो सकती थी, कमाटीपुरा जैसे आपने नाम लिया, तो एशिया की सबसे, ऐसा बोलते हैं कि वो सबसे बदनाम जगह है। मैं इसलिए नहीं गया कि वो बदनाम है, मैं इसलिए गया कि मेरे दिमाग में केवल वही एक नाम याद आया जी। तो
तो जिस तरह से आप आज भाई बने, आपने रक्षा करने की प्रॉमिस की होगी, तो आप ये चीज का कोई ट्राई करेंगे उन्हें उस खाई से बाहर निकालने की कोशिश होगी आपकी? देखो, खाई में आदमी कब जाता है? जब वो बेरोजगार होता है। जब सरकार और हम सब मिलकर के उनको रोजगार देंगे, एक पॉजिटिव रोजगार देंगे, क्यों नहीं आएंगे? सब आएंगे, कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता। तकरीबन आज आप कितने ऐसे वर्करों से आपने वहाँ पे मुलाकात की? और मेरे से ज़्यादा तो नहीं मिले, 10 से 12 लोग मुझसे मिले। बाकी ने मुझसे मिलने की मतलब, वो खैर अब कुछ भी हो सकता है, उनके अपने रूल्स हो सकते हैं। बाकी जो लोग मुझे मिले उनके संकल्प ले अगली बार फिर जाएंगे। जरूर थोड़ी कि रक्षाबंधन का दिन हो, 5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर चले जाएंगे। वो भी एक अच्छी जगह है, इसी धरती का एक हिस्सा है, वो कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई ऊपर की जगह नहीं है, यहीं का हिस्सा है। बस हम उनको टच किस अंदाज से कर रहे हैं, भाई या XYZ। अगर भाई बन के करेंगे तो वो आपको एक अच्छी बहन दिखेगी वहाँ पे। जानना चाहेंगे आपके आने वाली फिल्मों के बारे में, दो शब्द में बताइए कि क्या फिल्म है, किस तरह की फिल्म है और क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से मैं अभी रियल जगह गया और मैंने बहनें बनाई जिनको कोई बहन नहीं बनाना चाहता, वैसे ही मेरी एक फिल्म आ रही है कोई साथ है, ये भी रियल लोकेशन पे बनी है। जब आप इसे देखेंगे तो रियल लोकेशन मतलब कब्रिस्तान रियल, सब कुछ रियल, कहानी भी रियल। और मेरी एक दूसरी फिल्म है ऑब्जेक्शन, ऐसे करके मेरी 2-3 फिल्में हैं। ऑब्जेक्शन अभी 15-20 अक्टूबर से शुरू हो रही है और ये मेरी अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अक्टूबर को मैं इसको रिलीज कर दूंगा। थोड़ी सी कहानी के बारे में ये 5 दोस्तों की कहानी है जो किसी जगह जाते हैं और वहाँ जा कर के भूत बुलाने का प्लान करते हैं। और वो जो भूत बुलाते हैं वो तो सभी बुलाते हैं, लेकिन मैंने भूत कब्रिस्तान में बुलवाया और कब्र के साथ बुलवाया। मैंने भूत कब्रिस्तान में बुलवाया, कब्र के साथ बुलाया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी एक एक्ट्रेस है नीत महल पंजाब से, आज उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है इस फिल्म के बाद, वो ढंग से सो नहीं पाती। सब लोग, मुझे खुद को भी रात को नींद नहीं आती, लेकिन सब ईश्वरीय इच्छा है, ये कोई मैटर नहीं है। बट एक अच्छी फिल्म मैंने बनी है, वो भी रियल लोकेशन पे। और कलाकारों की बात करें तो कौन से कलाकार? इसमें नीत महल है जो पंजाब के स्टार है, राजेश जी दुबे हैं जो आपके यहीं टीवी इंडस्ट्री से हैं, और मैंने भी इसमें एक्ट किया है, और इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर मैं ही हूँ। कब तक रिलीज करना चाह रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अक्टूबर।